वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह और आज हम करने वाले हैं सार्क। ये जो सार्क टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और उसमें से यूपीएससी और जुडिशरी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। और आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपके नाइन्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी होगा और सेकेंड ईयर में भी अगर डेमो पॉलिटिक्स आपके अंदर है BLLB में तो भी आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप में है। तो ये है क्या, ये मैं बताने जा रहा हूँ और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आप एक एक बारीकी पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें से कुछ भी MCQ में आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप इसको देखो तो इसका फुल नेम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब साउथ एशिया के सारी कंट्रीज ने रीजनली कॉपरेट किया है आपस में मिलके और एक चार्टर बनाया है। चार्टर बोले तो एक रूल टाइप का बनाया है जो कि ढाका में साइन हुआ था और ये रहा टाइम, मतलब जहां पे ईयर में जब मैं हुआ जब ये साइन हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। अब इसके पीछे बनाने का क्या आइडियोलॉजी थी, हर चीज के बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ एम होता है, तो इसके पीछे क्या एम था। द आइडिया ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन साउथ एशिया वाज द फर्स्ट रीजनल नंबर, ये सबसे पहले जो बात उठी थी ये उठी 1980 में After consulting the foreign secretary for the several founding countries। अब क्या होता है बहुत सारे ये जितने भी देश देख रहे हो ना बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब मिले और सब ने डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए। ये 1990 की बात है पर ये फॉर्म तब नहीं हुआ था, ठीक है। और वो सबसे पहली बार कब मिले थे सारे लोग आपस में, ये 19 अप्रैल 1991 में उनका ये आइडिया था। फिर लास्ट में जो सबसे लास्ट मेंबर जुड़ा है ना अभी भी करेंटली, वो है 2005 में जुड़ा था जो है अफगानिस्तान, इसका नया मेंबर बन चुका है। शुरू में नहीं था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अब जाके जुड़ा है ये और ये 13th एनुअल समिट में जुड़ गया है अफगानिस्तान। इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट कहाँ पे है, ये जो सार्क है हमारा इसका कहाँ पे है, तो इसका है काठमांडू जो कि नेपाल है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अब आता है इस सार्क, ये जो हमारा साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन इसका जो सार्क है इसका प्रिंसिपल क्या है बनाने का, मेन एम कि इसको करेंगे तो किस बेसिस पे इसको बनाया गया है। तो इसका ये है कि हम जितने रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, हर देश इक्वालिटी का जो भी उसके देश के सॉवरेन है ना कि हर देश की एक वैल्यू है उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे। दूसरा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आप जैसे आपका देश है तो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आपकी टेरिटरी इतनी ये नहीं करेंगे बॉर्डर इधर उधर बढ़ा देंगे, नहीं वरना ही आप हमारे में कर रहे, तो ये होता है टेरिटोरियल, हम आपकी टेरिटरी का रिस्पेक्ट करते हैं आप हमारी भी टेरिटरी की रिस्पेक्ट कर दिए। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब आप सार्क में हो तो ये नहीं है कि आप कुछ कह नहीं सकते या आप कुछ कर सकते, पॉलिटिक्स अलग अलग है, हम कॉपरेशन कर रहे हैं लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर स्टेट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, तो ये नॉन इंटरफेरेंस मतलब कोई दूसरे के देश में हो रहा तो ये नहीं कि आप बार बार उसमें कूदने लग जाओगे, जैसे पाकिस्तान बार बार कूदता ना है, वो भी इसका मेंबर पर वो बार बार पे कूदते हैं इंटरनल मैटर्स पे जो कि उसे नहीं करना चाहिए एज पर सार। म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब हम दोनों बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, दो देश आपस में बिजनेस करेंगे तो दोनों का फायदा होगा तो म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए दोनों का। सच कोऑपरेशन शैल नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन बट शैल कंप्लीमेंट देन, तब यही है कि दोनों मिल के करेंगे, दोनों मिलके तीन के मल्टीलेटरल की तरीके से हम करेंगे कि ज्यादातर को कैसे कैसे सारे मिलकर कॉपरेट कर सके। ये बायलेटरल टाइप का नहीं है कि दो आपस में कर रहे हैं पर मल्टीलेटरल है, सारे मिलकर करेंगे। सच कॉपरेशन शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द बायलेटरल, और हाँ जो ऑब्लिगेशन रूल्स दिए गए ना उनके अकॉर्डिंग हम सार्क के चार्टर में जो रूल्स डिफाइंड होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, ओके। नाउ आता है कि ये मेंबर्स कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे एक ज्योग्राफिकली एरिया दिखाया हुआ है सार्क, देखो ये हमारा प्यारा भारत और ये रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो जिस जिसकी कंट्री है देखो अफगानिस्तान की भी बॉर्डर यहाँ पे टच होती है इंडिया की जम्मू कश्मीर POK पे, तो ये जो हमारा इंडिया है ना जम्मू कश्मीर का POK तो अपना ये सारे ले लेंगे जल्दी, तो ये अफगानिस्तान का है ना ये जो टच करता है इसीलिए ये भी हमारा मेंबर और नया जुड़ा है तो हमने इसको सपोर्ट किया है। तो ये है नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और इंडिया तो है ही, और मालदीव, ये जो छोटे छोटे टापू देख रहे हो ना ये आइलैंड, ये मालदीव और ये श्रीलंका है, तो ये सारी कंट्रीज हैं, ये यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, एक बार नाम पढ़ लेते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और हाँ इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया चाइना यूरोपियन यूनियन, ये सारे ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। अब ये किस चीज में मिलके क्या क्या चीजों में ये काम करेंगे मिलके, इनके एक चैप्टर के अंदर डिफाइंड है कि किस किस चीजों में हम कॉपरेट करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट से ग्रो कर सकें, तो वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर, ये सारे आ जाते हैं, और टूरिज्म मतलब कि यहाँ से ट्रैवल टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है तो हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं आपस में हम करके।
एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, गांव के लाइफस्टाइल कैसे हम अच्छे इंप्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर हम लोग कैसे आपस में सहयोग करके इंप्रूव कर सकते हैं, एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर। अब अगर आप इंडिया का भी अभी आपने मैप देखा होगा तो ये देखो, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये क्या है, ये वाटर ओशियन के इधर देखो, इधर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, तो ऑलमोस्ट वाटर साइड बॉडीज हैं। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे डिजास्टर के भी चांसेस होते, तो सारे मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारे सामने नेचुरल डिजास्टर और बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी कि हमारा हेल्दी एनवायरमेंट हो, नेचर वाइज कैसे आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ये सब। इकोनॉमिक, ट्रेड, फाइनेंस, कैसे इकोनॉमी हम बढ़ा सकते हैं अपने देशों की, ट्रेड कितना बेटर कर सकते हैं, फाइनेंस अगर किसी को जरूरत है तो उसको कैसे अवेलेबल कराएं। सोशल अफेयर्स, हम कैसे सोशली अपने सोसाइटी को डेवलप करें। इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, अब अगर आप इस देखो ना, सबसे बड़ा मेन रीजन अगर मेरे को लगता है ना तो पॉवर्टी है, क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया यहाँ पे सबसे थोड़ा ठीक ठाक हालत में है, तो बाकी सब बहुत ही पॉवर्टी में है। मेरे ख्याल यहाँ पे किसी के भी ट्रिलियन तक में टच नहीं कर रखी इकोनॉमी, जबकि हमारी 3 ट्रिलियन, तो मतलब हम ही बेटर सिचुएशन में और हमारे लोगों का लाइफस्टाइल बेटर है। बट इन सारे देश में पॉवर्टी का सबसे बड़ा वो है, पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं हम, उसके लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें शेयर करने, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर, ये सब चीज़ें हम कैसे बढ़ावा कर सकते हैं अपने देश का, कॉपरेट कर करके इन्हें क्या होता है, एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं और एक पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किसके बेस पे बनाया गया है, कॉपरेशन अलग है, कॉपरेशन मतलब हम इन चीज़ों में मिल मिलकर सही करेंगे चीज़ें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, इसका बेस बना किस लिए सार्क, तो पहले तो प्रमोट वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ, कि जो लोग रहते हैं हमारे इन सब, उनकी लाइफ कैसे बेटर हो, हम कैसे कैसे वेलफेयर उनके लिए कर सकते हैं। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इकोनॉमिक मतलब कि कैसे व्यापार का काम जल्दी तेजी से बढ़े, तो क्या होगा कि इससे जो बिजनेस है ना वो भी राइज करेंगे, तो दोनों देशों के लोग जो होंगे उनको जॉब मिलेगी, फिर मनी मिलेगा, टैक्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो उससे रोड बनेंगे, बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये हम दोनों अपनी अपनी पोटेंशियल को यूज़ करें और बिल्कुल डिग्निटी में यूज करें, मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए ऐसे करें। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव रिलायंस, अब क्या होगा कि हम सब एक दूसरे पे ना ऐसे डिपेंडेंट करके करें कि हम सारे मिलकर कंट्रीब्यूट करें, साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करें, है ना, और अच्छी डिफेंस अच्छा होगा तो संगठन, तो हम भी यूरोपियन यूनियन की तरह हमारी एक स्ट्रेंथ होगी। ये एक शॉर्ट में एक यूरोपियन यूनियन की तरह ही है, पर वो तो काफी बहुत टाइम से और बहुत पावरफुल हो गया, हम भी हो सकते हैं अगर हुआ तो। कंट्रीब्यूशन टू म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रमोट एलाय एक्टिव कोलैबोरेशन, हमें ना सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड में, इसमें क्या एक दूसरे की मदद करके दोनों साथ में बढ़े। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, हाँ, दोनों के दोनों सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं सब कोऑपरेट करें एक दूसरे से, और इक्वली हम क्या करें अपने आप को स्ट्रेंथन करें। टू स्ट्रेंथन नाम से इन द इंटरनेशनल फोरम, हाँ, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, अब क्या हो गया जो सार्क है इसको क्या करें इंटरनेशनल फोरम में एक स्ट्रेंथ, देखो ज़्यादातर इंडिया को छोड़ के बाकी सारे देश छोटे छोटे हैं और छोटे देशों को सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर तुम सार्क के एक मेंबर है सारे, तो एक साउथ एशिया बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, फिर बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पे रहती है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है यहाँ की, सारा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक वो होता है कि इंटरनेशनल फोरम में आवाज़ रख सकते हैं। टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन विद सिमिलर एम एंड पर्पस, और जिसकी भी जो भी ऐसे और भी बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेम मोटिव है, कोऑपरेशन है, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो अगर सेम मोटिव उनका कि पॉवर्टी हटाना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें वो कोऑपरेट कर सकते हैं, इसमें इनकी पूरी खुले छूट है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स, इसके ऑर्गन क्या क्या है, तो ये सारे ऑर्गन्स है, मीटिंग ऑफ हेड, देखो मीटिंग होगी और कहाँ पे होगी, समिट होगा, ठीक है, और जो कि एनुअल बेसिस मतलब साल में एक बार, ऐसे स्टैंडिंग कमिटी फॉर फॉरेन सेक्रेटरीट, अब इसमें क्या होगा, मॉनिटर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे मोबाइल रिसोर्सेज को, देखेंगे कहाँ ले जा सकते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पाइपलाइन ला रहे हैं जो हम सारे मिलकर कर सकते हैं, कोई रोड है जो हमें कनेक्ट कर रही है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें हेल्प करेगी, तो इन सब चीज़ों में वो करते हैं। अब सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सार्क डेवलपमेंट फंड, ये क्या करता है, प्राइमरी इसका काम है ना कि फंड दे सोशल सेक्टर के सच एस अ पॉवर्टी, अब किस चीज़ के लिए फंड देगा ये, ताकि पॉवर्टी आप अपने देश में हटा सको, डेवलपमेंट कर सको, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सको। ये इज अ गवर्न बाय द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द मेंबर स्टेट, अब इन देशों के ना फाइनेंस मिनिस्टर के यहाँ पे बैठे होते हैं,
ठीक है, बोर्ड के अंदर, और वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना चाहिए, कि कैसे फंक्शन कर रहा है, वो सारा इस चीज का ध्यान रखते हैं। साथ में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ताकि ये जो छोटे मोटे जो स्टेट्स है ना, ये क्या करें, आप कहीं और जाएंगे तो वहाँ के बिल्कुल अलग होता है, लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया के जितने भी आसपास नेबर, सबके सिमिलैरिटीज है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज, हम सब दिखते भी एक जैसे हैं, हम सब में बहुत सारी चीजें एक जैसी है, तो हम सब क्या करें, आपस में यूनिटी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें कि इस स्टैंडर्ड से हम मानेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी उनके दे दी सर्टिफिकेट कर दिया है इनको, इनको कि नेशनल यूनिवर्सिटी हमारी भी हो गई है, कि सारे मिलके एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें कि साउथ एशिया का ये स्टैंडर्ड है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है ये, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये क्या होता है, ये जो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। इसको अचीवमेंट, इट वॉज स्टैब्लिश टू अचीव एंड एनहेंस कोऑपरेशन coordination cooperation among SAARC member state in the field of standardization conformity assessment in the aim to develop and harmonize standard for the region and facilitate inter-region trade and have access in the global market। हाँ, मतलब अंदर से अपने आप को हम हारमोनी में रखें, अच्छे से सहयोग हो, देश दोस्ती यारी हो, और देश अच्छे से डेवलप हो, साथ साथ हम जब अच्छे एक लेवल पे स्टैंड कर जाए तो हम ग्लोबल मार्केट में भी कॉम्पीट कर सकते हैं, सेम एज लाइक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब आता है आर्बिट्रेशन। अब कई बार इश्यूज भी हो जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना, तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका ऑफिस है पाकिस्तान, लोग कहाँ है, पाकिस्तान में, और ये मैंडेट इज प्रोवाइडेड, मैंडेट टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क। ये लीगल फ्रेमवर्क बताएगा कि आप कैसे इसको सेटलमेंट कर सकते हो, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो इन सबको कैसे हम म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है ना, कि दोनों मिलकर साथ करेंगे, कि मेडिटेशन टाइप का, मेडिएशन टाइप का होता है ये, एक एडीआर है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि आप कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है SAARC, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम SAARC को इतना इंफेसिस देते हैं नेबरहुड पॉलिसी। तो देखो SAARC जो है ना, वो 3% है वर्ल्ड का एरिया, तो जितना इंडिया और ये सारे कंट्रीज मिला लेंगे तो वर्ल्ड पे जितना अर्थ है ना, उसमें से 3% ये एरिया है, और 21% पॉपुलेशन इसमें रहती है, तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और 3.8% इकोनॉमी है वर्ल्ड की, मतलब 2.9 ट्रिलियन। करेंटली अभी इंडिया ही अक्रॉस अकेले ही 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है। हाँ, तो क्रिएटिव इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन, और ये क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, साथ साथ फर्टाइल एरिया भी। तो अगर आप चाहते हो कि ये बहुत एक, अब क्या होता है, इंडो पैसिफिक है, सी है, ये सी है, अब क्या होता है कि ग्लोबली अगर आप चाहते हो, जैसे साउथ चाइना सी, वो तो बिल्कुल चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, मोनोपोली वहां पे क्रिएट करना चाहता है, लेकिन इंडो पैसिफिक फ्री हो, सारे मिलकर कोलैबोरेट करें, तो ये SAARC इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वही बता रहे, कॉमन सोल्यूशन है SAARC, एक सारे मिलकर प्रॉब्लम्स हो, पॉवर्टी, इलिटरेसी, मलन्यूट्रिशन, ये सारे नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड, लो जीडीपी, सोशल पुअर, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सारा कुछ मिला रहे, तो अपलिफ्ट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ कास्टिंग जो भी हमारे लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को कैसे हम ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत, हम सब स्टेट्स में एक चीज कॉमन है, सब गरीबी में है ना। अब इसकी अचीवमेंट, इसने अभी तक क्या क्या हासिल किया है, तो देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है हम सबके बीच में, कि इतने साल के बीच में हम पहले इतने परसेंट कट कर देंगे और लास्ट में जाकर हम इसे 0% कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। फिर आता है साप्ता, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट फॉर प्रमोटिंग ट्रेड अमंग्स द मेंबर कंट्रीज, केम इफेक्ट ऑन 1995। ये 1995 को आया गया कि सारे जितने भी साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होगा, कि हम सब कैसे कैसे एग्रीमेंट करेंगे पूरा। फिर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा हम सबके बीच में, और ये क्या होगा, गुड बट एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज, ये गुड्स के सामान का लेन देन होगा, सर्विस का नहीं होगा, कि आईटी सर्विस दे रहे, कोई सर्विस का नहीं होगा, ठीक है। और शुरू में ये कुछ करेंगे कस्टम ड्यूटीज, बाद में इसको जीरो कर देंगे, ठीक है, 2016 तक, क्योंकि बहुत सारे देश तो अपने आप बनाओ पॉलिसी कि आपको भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान हो, सारे मिलकर फिर कंट्रीब्यूट करें हम अपने साउथ एशिया में। सर एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विस, इट इज फॉलोइंग अ जेट पॉजिटिव लिस्ट फॉर द ट्रेड इन सेवरल लिबरलाइजेशन। हाँ, तो ये है कि बहुत सारी जगह पे छूट वूट है ना, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। SAARC यूनिवर्सिटी, SAARC इंडिया एंड फूड बैंक एंड ऑल्सो एनर्जी रिजर्व इन पाकिस्तान, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है, यही है, देखो नेबरहुड पॉलिसी, हमारी पॉलिसी है कि हम नेबरहुड सबसे पहले करेंगे। जियोस्टेटिक सिग्निफिकेंस, देखो हमारे पास पर जितने भी कंट्रीज है ना, उसमें से चाइना सबसे बड़ा है और पावरफुल भी है, इकोनॉमी वाइज भी, हर चीज में। तो चाइना को कॉम्पीट करने के लिए, उसके BRI और भी बहुत सारे इनिशिएटिव को कॉम्पिटिशन करने के लिए ये सारे देश हमारे साथ रहेंगे, तो हम एक इकोलॉजी, मतलब एक रिलेशन डेवलप रहेगा, तो ये हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, और हम इनसे मिलकर कोई बहुत सारी चीजें खुद से मिला के बना सकते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी, जब सारे देश म्यूचुअल एग्रीमेंट होंगे तो कोई किसी के खिलाफ नहीं होगा, तो सब इतना खर्चा नहीं होगा डिफेंस में। ग्लोबल लीडरशिप, अब जब इंडिया यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, SAARC में सबसे पावरफुल, और यहाँ पे वो सबको बांध के रखता है, मतलब कि सबको लीडरशिप वाली क्वालिटी, हम सब मिलकर कॉपरेट करेंगे, तो ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक बात जाती है कि इंडिया के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी है। गेम चेंजर फॉर इंडिया, ये एक्ट इज पॉलिसी।
अब क्या होगा, वर्ल्ड जो है वो अगर आप देखना चाहते हो इंडिया को कि प्रोस्पेरिटी कर रहा है, ये एक लीड कर सकता है सर्विस सेक्टर में, तो ये इसके लिए बहुत बढ़िया बात है। अब चैलेंजेस क्या क्या इंडिया को फेस करना पड़ता है लो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीटिंग, सॉरी सार्क को, तो लो फ्रिक्वेंसी होती है मतलब ज़्यादातर इसमें मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं क्योंकि एनुअली है, बोर्ड एरिया ऑफ कॉरपोरेशन, इसमें और भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हमें करना होगा, जैसे डाइवर्जन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, लिमिटेशन इन फाफ्टा साफ्टा, अब ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लिमिटेशन है, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, ये ऐसे है, जैसे कि यहाँ पे गुड्स का था सर्विस का नहीं था। इंडो पाकिस्तान, जैसे ये जो है तो पाकिस्तान टेररिस्ट करता रहता तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये तो पीसफुल नहीं हो पाता, तो यही है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो अगर आता है तो सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो जरूर बताना, हम लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।